तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमें वैचारिक आतंकवादी बोला गया। तो जो विचार है, जैसे पीपर साहब ने बताया कि विचार जो अमर होता है, जब विचार के मानने वाले कमजोर हो जाते हैं, जिस विचार पर हम काम कर रहे हैं जब उसके मानने वाले लोग कमजोर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर हम लोगों पर मुसीबत आने लगती है। जैसे आप लोगों ने देखा पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अत्याचार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हमारे ऊपर। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो विचार के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को कहने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे ले जाने वाले लोग हैं, 2 अप्रैल देखा होगा आपने पूरे समाज को सड़कों पर लगे और कितनी हानि हुई आपको पता है, कितने लोग जेल में गए, हमारे 13 बच्चों के शहीद हुए। तो क्या जो विचार पर ये जो विचार को खत्म करना चाहते हैं, तो हम उस विचार को मजबूत करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मालूम आप सामने। हमें घर घर में जाकर नौजवानों को कैसे तैयार कर सकते हैं हम, क्योंकि जो विचार की लड़ाई है, देखो तलवारों की लड़ाई तो है नहीं, क्योंकि पुलिस तो उनके पास है, हमेशा देखा है कि हम कमजोर पड़े हैं पुलिस के सामने, चाहे 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे अभी रविदास मंदिर का मामला हो, हमारे 96 बच्चों को जेल में डालने का काम हो, तो पुलिस तो उनके पास है, ताकत उनके पास है, हमारे पास विचार मजबूत है, और विचार से सरकारें बनती हैं, विचार से लोग मजबूत बनते हैं। क्या हमने अपने विचार को मजबूत करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं क्या? तो हमें समाज के अंदर एक मैसेज पहुंचाना है। ये जो लोग यहां बैठे ना ऊपर स्टेज पर, जो लोग बैठे वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब हम लोगों को कोई परेशानी आती है कि हमें आगे क्या करना है, तो इनसे लाए लेते हैं हम कि आगे कैसे मंथन किया जाए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे समाज के अंदर आगे हम विचारधारा को लेकर जाए। ये कम एक्सपीरियंस नहीं है लोगों का, बहुत एक्सपीरियंस है। जो केसी पीपल साहब है, पूरी दिल्ली को संभाला इन्होंने राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो, एस एस देहरा साहब है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, पी एच जोश साहब है, इधर हीरालाल जी है, भारती जी बैठे हैं, रजत गौतम जी बैठे हैं, सारे लोग जो लोग हैं, ये इनके अंदर विचार है, कूट कूट का विचार भरा हुआ है। उस विचार को समाज के उस नौजवान के माइंड तक कैसे पहुंचा जाए, ये सोचने की बात है, क्योंकि नौजवान बहुत है हमारे पास में। अब भीम आदमी की अगर बात ली जाए तो भीम आदमी के पास में बहुत नौजवान साथी है। मेरी हमेशा से चिंता रही है कि जो नौजवान साथी है, जब तक वो विचारशील नहीं होगा, जब तक अंदर उसके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार नहीं जाएगा, फूले का विचार नहीं जाएगा, जब तक वो सही डायरेक्शन से काम नहीं कर पाएगा, ये ड्यूटी हमारी है, ये ड्यूटी हमारी है कि उन लोगों को सींचा जाए। जैसे एक माली पौधे को तैयार करता है, उसमें पानी लगाता है, खाद लगाता है और फिर फल आता है, ऐसे ही हम लोग समाज के माली हैं, उन पौधों को तैयार किया जाए। जब पौधे तैयार हो जाएंगे तो डेफिनेटली एक दिन फल आएगा, और जब फल आएगा तो हमारी जो लड़ाई है वो आसान हो जाएगी। हमारी लड़ाई इस समय इतनी ताकत वाला हो, वो हर पल में हर जगह आपको देखना पड़ेगा, संविधान को खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं कि हम नहीं मानते तुम्हारे संविधान को, हम नहीं मानते तुम्हारे संविधान को, हम जिसमें गोली मारनी है उसमें गोली मारेंगे, जिसके एनकाउंटर करना उसका एनकाउंटर करेंगे, जो करना करेंगे, तुम पे क्या करना कर लीजिए। अब हमारे लोग, अब कल की घटना देखिए आप लोग, हम दिल्ली में रहते हैं, 26 अलीपुर रोड को बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया और कहा गया कि तुम जितने अम्बेडकर वादे कर लो, क्या करना हमारा करो, हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आखिरी सांस ली, हमारे लिए मेहनत करी, वहां पे संविधान बनाने का वहां पे कारवा स्टार्ट किया, वहां हम कुछ नहीं कर पाए, हम ताले को भी नहीं खुला पाए। हम कैसे अपने आप को मान लें कि हम विचार से मजबूत हो गए हैं? हम विचार से मजबूत नहीं है, हमें विचार से मजबूत करना है, और जिस दिन हम विचार से मजबूत हो जाएंगे उस दिन हम लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हमें विचार से मजबूत करना है। जब विचार से मजबूत, 4 मिनट हो गए मेरे पास अभी, जब विचार से मजबूत हो जाएंगे तो उसमें आगे क्या होना है, फिर हम लोग क्लासेज भी लगा सकते हैं। आज पूरे देश के अंदर जो माहौल है, पूरे देश के अंदर हमारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, शिक्षा से ज्ञान आता है, ज्ञान से विकास विचारशील बना जा सकता है, तो सबसे पहले शिक्षा ही खत्म कर दो। कुछ लोग अगर IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बन गए तो उन पर हमेशा तलवार लटकी रहती है कि तुम्हारी नौकरी, तुम सही अपना आराम से नौकरी कर लो, नहीं तो कल को तुमको बीमो मिल जाएगा, कल को तुम सस्पेंड हो जाओगे। फिर उनकी मजबूरी यहाँ है, फिर ऐसे कैसे लोग तैयार हो पाएंगे कि जो अपनी चीजों को छोड़कर सड़कों पर आए, अपनी चीजों को रोककर अपनी बात को कह सके। ये आपको तैयार करने पड़ेगी, जब तक तैयार नहीं, कोई तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। फसल को तैयार ही नहीं करना, काटने के लिए सबको तो तैयार है, काट लें फसल को, सब काटने के लिए तैयार है, सब सब लोग
लगे हो कि हम लोगों को सब बन जाए बन जाए बन जाए। हाँ, सब लोगों को मौका मिल सकता, हर बार तो मिलता ना मौका। अरे बाबा साहब तो देखे गए, तुम्हारी कोई उसमें ताकत नहीं है, मौका हर बार मिलता है, कोई ना कोई तो बनेगा ही ना, कोई ना कोई तो एमएलए बनेगा, कोई ना कोई एमपी बनेगा, वो तो बनने निश्चित है ना, उसको तो खत्म नहीं कर सकते। अब फिर बना दिया उन्होंने, तो बनना ही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोगों की ड्यूटी है कि वहां भी ऐसे लोग जाएं जो आपकी बात को रख सकते हैं। वो सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में हमारा नुमाइंदा हमारी बात को नहीं रखता है, इसलिए हम कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए हम पर जुर्म होते हैं। जिस दिन उस पंचायत में हमारे लोग हमारी बात को रखने के लिए मजबूत हो जाएंगे, मजबूत साथियों को तुम भेज देंगे, उस दिन तो बात बन जाएगी ना। तो इसलिए हमारी ड्यूटी है आपको तैयार माहौल बनाना है, क्योंकि वो लोग डरते नहीं है समाज, वो लोग नहीं डरते समाज से, वो कहते हैं समाज हमारा क्या करेगा, बताइए समाज हमारा क्या करेगा, वो डरते ही नहीं लोग। आप पूछते तुमने क्यों नहीं बोला कुछ भी, कहते फिर क्या नहीं बोला तो क्या हो गया बताओ, हमारे लोग मरे उन्होंने कुछ बोला आप बताइए। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम उनसे पूछ सके, अकाउंटेबिलिटी कर सके कि आप लोगों को हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेहनत करके आप लोगों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, आप लोगों को वहां भेजने का काम किया, आप क्यों नहीं बोलते हो, आप क्यों नहीं बोलते हो, हमने पूछने का काम नहीं किया। बाबा साहब का जन्मदिन तो हर साल मनता ही है, सब लोग मनाते हैं, हम भी बहुत लंबे समय से मनाते हैं, और बाबा साहब का महापरिमाण दिवस भी मनाते हैं, चलता रहेगा, हम ना होंगे जब भी चलता रहेगा, हम नहीं थे जब भी चल रहा था ये चलता रहेगा। मगर आज का जो समय है वो कुछ परिवर्तन का समय है, आज का जो समय है परिवर्तन समय है, हमेशा समय नहीं होता है, हमेशा हम लोग नहीं रहेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे, समय परिवर्तन हो रहा है। इसलिए पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाओ, एक विचारधारा का माहौल बनाओ कि अब की बार तो उन लोगों को ही हमें सपोर्ट करना है, उन लोगों को ही भेजना है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की बात करेंगे या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से आगे लेके जाएंगे, साथ ही जब तो बात बन सकती है। और आखिर में एक शेर है मेरा, मैं उसको बोलकर अपनी बात को खत्म रखूंगा। आदरणीय हीरालाल जी ने भेजा था मेरे को, मैं बोला कि आज बोली तो शेर को, बड़ा अच्छा शेर है, क्योंकि जिनपे हम नाज करते हैं, जो सरदार हैं कौन के, हम लोगों को भी जैसे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, मिनिस्टर हैं, वो हमारे जो समाज के वो लोग सरदार हैं, बहुत समाज उन पर बहुत उनकी उनकी तरह आंखें नज़र उठाए बैठा है। जैसे मैं एक छोटा सा वकील हूँ तो बहुत सारी की नज़र मेरे पास रहती है कि मेरे कुछ फायदा कर देंगे, मेरा केस लड़ लेंगे। तुमने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।